राज्यों के सरकार केंद्र के साथ मिलकर अच्छा पैसा 400-500 रुपया बोनस डाल देते हुए किसान सब खरीद लेंगे तो उसमें आपका फूड सिक्योरिटी का समस्या नहीं आएगा, ये हमारा मूल विषय है। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार के पास भी पर्याप्त भंडारण रहे और उसके लिए ये कदम उठाया जाए? नहीं, सरकार के पास भंडारण भी रहे क्योंकि अभी किसान गेहूं बाहर बेच रहा है, व्यापारी को बेच रहा है। अगर सरकार भंडारण भी करे वो सरकार कंपटीशन में भी आए। अगर सरकार बोनस दे के खरीदता है तो व्यापारी भी थोड़ा और ज्यादा पैसा देके किसान को खरीदेंगे, बाकी वो एक्सपोर्ट करके लाभ कमाएंगे। उसमें सरकार को फायदा है, किसान को फायदा है और व्यापारियों को भी फायदा है। इस विषय को मैंने अंकित करके सरकार को पहले से चिट्ठी लिखा है। आपने एक प्रमुख बात कही है कि अभी जो ट्रेडर्स हैं वो किसानों से खरीद रहे हैं 50 से 150 रुपए प्रति क्विंटल का मात्र ज्यादा दाम देकर, और वो फिर उसका लेकिन स्टॉक भी कर रहे हैं। क्या आपको डर है कि जब वो स्टॉक निकलेगा तो दाम भी बढ़ेगा और किसानों को भी कुछ नहीं मिला? नहीं, वो स्टॉक कर रहे हैं, आगे चलकर किसान तो अपना स्टॉक अपने घर में कर लेता है। आगे सरकार सरकार ने जो फूड खाद्यान्न सुरक्षा का मामला है उसके लिए खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा? बाजार से नहीं मिलेगा तो व्यापारियों से खरीदेगा, तो फायदा सरकार को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और व्यापारियों का फायदा जाएगा। हम बोलते हैं कि आप अभी इस विषय को यहीं रोकिए, किसान से ज्यादा पैसा दे के आप खरीद लीजिए, व्यापारी उसके बाद भी थोड़ा और ज्यादा पैसा किसान को देगा तो किसान का फायदा, व्यापारियों का फायदा, सरकार की फायदा, देश की जनता की फायदा, सबका एक फायदा होने वाला है ये जो माहौल है। क्योंकि लड़ाई लंबे चलने जैसा दिखता है, कब खत्म होगा पता नहीं। दुनिया को खिलाने का जिम्मेदारी भारत के किसान उठा सकता है, इसके लिए हम अपने देश भर में इसका प्रसार, अपना जो प्रसार तंत्र में इसको बढ़ा रहे हैं। मगर किसानों को अगर इंसेंटिव मिलेगा, जो थोड़ा बहुत ये क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी के कारण उपज कम हुआ है, किसान गेहूं से दूर जा रहा है तो फिर दोबारा वो गेहूं के ऊपर भी आ जाएगा तो देश के लिए भी अच्छा।